इस बीच खेरसों में रूस का बड़ा हमला देखा गया है। बता दें आपको 24 घंटे में यूक्रेन के 7 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। यहां पर क्रेस्ती लीमन इलाके में 55 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। अमेरिका से मिले 3 हाइमार्स रॉकेट सिस्टम यहां पर तबाह कर दिए गए। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेवकोव ने इस बात का दावा किया। अगली बड़ी खबर बखमुत से सामने आ रही है। यहाँ यूक्रेनी फाइटर्स का भीषण पलटवार देखने को मिला है। यूक्रेन की द विंट्री वुल्स बटालियन का ये एक्शन है। रूस की आर्टिलरी यूनिट पर अचानक हमला किया गया। बैटल जोन में ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे यूक्रेनी लड़ाके। Yeah.